ईडीडब्ल्यू शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं और टॉपिक नेम इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओके तो आ, क्यों ये अलग है और इसको इसका नाम ऑपरेशन एम्पलीफायर क्यों है इसके बारे में हम लोग देखेंगे हां ऑपरेशन एम्पलीफायर को शॉर्ट में ओपेम भी कहा जाता है और ये बहुत ही फेमस और

एन एंड पी टाइप मटेरियल बने थे एन और पी से क्या बना हमारा डायोड बना और फिर डायोड के डिफरेंट एप्लीकेशन हमारे क्या बने रेक्टिफायर्स हुए क्लिपर क्लैम्पस हुए और इस तरीके से बहुत सारी डिवाइसिस हुई उसके बाद हमने यूनिट टू में चले तो यूनिट टू में भी सेमीकंडक्टर का एप्लीकेशन है अब हम आगे सेमीकंडक्टर का ही एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं बट अब ये सेमीकंडक्टर से हमने यहां पे क्या बना दिया बीजेटी एंड एफ बनाया

इसी ऑर्डर में पहले डायोड, फिर सेमी ट्रांजिस्टर फिर हम के तरफ जाते हैं कि ए, एक ये चीप है है। और उस डिवाइस का नाम पड़ा ऑपरेशनल एम्प्लीफायर सो जैसा कि हम जानते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर का मतलब क्या हुआ इसका नाम एम्पलीफायर है मतलब एम्प्लीफाई करना अम्प्रिफार करने का मतलब है कोई भी एक सिग्नल एक एसी सिग्नल जो कि जिसकी की कुछ ये इस तरीके से है तो इसको एम्प्लीफाई मतलब इसको इम्प्रूव uh, करके इसको एम्पलीफाई करके देता है यानी कि ये 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 जो है वो करता है वो करता सकते हैं समझ में आया लेकिन ये अलग क्यों है और बाकी एम्पलीफायर से क्योंकि एम्पलीफायर तो एक ट्रांजिस्टर भी बीजेटी भी, भी हो सकता है एनपीएन भी हो सकता है एफ uh, टी भी हो सकता है यानी कि जेफेट भी हो सकता है सो दैट विल डिस्कस आउट हियर कि व्हाई दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट नाउ तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि ऑपरेशन एप्लीफायर क्या है देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे कि ऑपरेशन मतलब इसका कितने नंबर ऑफ इसके पिन जैसे कि हमने बीजेटी में तीन पिन होते थे डायोड uh, में दो पिन होता था तो इस तरीके से जो भी हम इसके नंबर ऑफ पिंस के बारे में हम बात करेंगे और फिर हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे तो लेट स्टार्ट विद द डेफिनेशन सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट आउट

डिफरेंशियल एम्पलीफायर वर्ड ध्यान से रख रखिएगा इसको हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर ओके डिफरेंशियल एम्पलीफायर मतलब डिफरेंस को करता है किस दो दो इनपुट के डिफरेंस को एंप्लीफाई करता है विथ एलोंग विथ हाई इनपुट हाई इनपुट एंड लो आउटपुट एम्पिडेंस एंड लो आउटपुट एम्पिटेंस उटपुट इंस दिस इज द डिफिनेशन ऑफ ऑपरेशन एम्प्लीफायर चले हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अब इसके बाद इसका नाम ऑपरेशन एम्पलीफायर क्यों पड़ा वाई इट इज ऑपरेशन एम्पलीफायर सो इट वॉज डिजाइन या इट वॉज कंस्ट्रक्शन कर सकते हो इट वॉज डिजाइंड टू परफॉर्म

integration and some other also etc that's why it is named as named as operational amplifier operational amplifier

Pin या pin के बारे में सो पिन डायग्राम ऑफ ओपन शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं तो ये क्योंकि आईसी है तो आप लोग को पता होगा कि आईसी एक रेक्टेंगुलर सेक्शन uh, की एक चिप होती है आईसी चिप जिसको बोलते हैं जिसमें कि एक स्टार्टिंग uh, पॉइंट के लिए छोटा सा कट uh, दिया जाता आइडेंटिफाई करें कि कहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और ये एट पिन की आईसी है वन टू थ्री फोर यानी कि फोर पिन वन साइड और इधर फोर पिन अनदर साइड ओके सो आईसी जनरली आईसी जो है हमेशा टोटल नंबर ऑफ पिन इवन में होते हैं एट पिन सिक्सटीन पिन फोर्टीन पिन ट्वेंटी पिन इस तरीके से तो नाउ पिन कॉन्फ़िगरेशन ये पिन नंबर वन पिन नंबर टू पिन नंबर थ्री पिन नंबर फोर पिन नंबर फाइव सिक्स सेवन एट और जनरली ये इसको जब ऐसे तो इसके बहुत सारे नाम है बट ये बहुत ज्यादा फेमस जो है वो आईसी सेवन के नाम से है आईसी सेवन नाम अगर आप जाके आ, ये कीजिएगा तो यू यू विल फाइंड आउट द आउटी नाउ सो अब व्हाट इज दिस पिन व्हाट इज दिस नंबर ऑफ पिन इसका पिन का मतलब क्या है जैसे हमारे पास अगर हम ट्रांजिस्टर uh, की बात करें तो उसमें तीन पिन हुआ करते थे एक ट्रांजिस्टर अगर आप उसका प्रैक्टिकल व्यू देखिएगा तो कुछ इस तरीके से होगा प्रैक्टिकल व्यूज में और इसके तीन पिन होते थे बेस कलेक्टर तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मीटर है कौन सा बेस है कौन सा कलेक्टर है उसी तरीके से ये जब हम ये बनाने की बात कर रहे हैं तो यहां भी हमें नंबर ऑफ पिन के बारे में पता होना चाहिए कि थ्री नंबर क्या है फोर नंबर क्या, क्या, क्या है तो जो पहला नंबर पिन है उसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट नल वट इज ऑफसेट नल जस्ट आई विल डिस्कस लिटिल बिट लेटर uh, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑफसेट नल यानी कि ये जो पिन है पिन नंबर वन ऑफसेट नल है व्हाट अबाउट पिन नंबर और दूसरा जो हो गया वो है नॉन इनवर्टिंग इनपुट यानी कि पिन नंबर थ्री जो है वो नॉन इनवर्टिंग इनपुट ठीक है तो इसका मतलब ये है कि ओपे में मिनिमम दो इनपुट होते हैं चौथा नंबर पिन जो होता है ये फोर नंबर पिन इस पे हम देते हैं नेगेटिव सप्लाई यानी कि माइनस वीसीसी या माइनस वी कह दीजिए और अब पांच नंबर पे आएंगे ये भी ऑप्सिट नल होता है यानी कि इसको भी हम जनरली कनेक्शन मतलब एसी कनेक्शन के तौर पे यूज नहीं करते हैं नल लिखा हुआ है तो इसका म, minimum हम थोड़ा बाद में करेंगे pin number six जो है वो output लेते हैं से और फिर एट नंबर पिन नो एनसी नो कनेक्शन होता है इसको तो फिर नो no कनेक्शन होता है तो हम क्यों इसको यूज किए हुए हैं क्योंकि नंबर पिन की पेयरिंग करने के लिए एट होना चाहिए सेवन पिन कैसे तो हम बना सकते हैं तो इसलिए हम इसके बोल रहे हैं नो कनेक्शन

आउटपुट लेंगे पे, अच्छा, अब ये तो हो गया, अब इसके बाद देखते हैं तो सिंबल है, वो, वो बनाते हो आप लोग अगर याद होगा उसमें ये जो यहाँ पे डायोड वाले को हटा के ये मेनिंग यानी कि दो इनपुट और एक आउटपुट के साथ ये होता है और इसके साथ जो दो सप्लाई हम देते हैं प्लस और माइनस वाला ये सप्लाई तो ये Pin number two था, मैं एक एक बार रिकॉल कर दे रहा आपके से, तो को हम करते हैं, माइनस है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है इन्वर्टिंग टर्मिनल का मतलब इसको इन्वर्टिंग टर्मिनल या इन्वर्टिंग इनपुट कहिए. तो इसका मतलब क्या हुआ बिकॉज हम इस पे जो भी सप्लाई देंगे वो इन्वर्टेड हो जाएगा कैसे या क्यों मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू बाद में देखेंगे हम इसके बाद ये नॉन इन्वर्टिंग इसको इनवर्ट नहीं करता यानी कि जो भी हम इस पे इस पे इनपुट देंगे इनवर्टिंग टर्मिनल नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल तो दो टू नंबर एंड नंबर हो गया हम लोगों के पास अब आते हैं सिक्स नंबर से हमें पता है कि हम क्या लेते हैं यहां पे आउटपुट लेते हैं एंड सो ये एंड व्हाट अबाउट सेवन नंबर जैसा हमने इसके पहले देखा था तो सेवन नंबर पिन पे हम लोगों ने

ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है लेकिन निगेटिव हमेशा इन्वर्टिंग होगा और पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग होगा ओके, शॉर्ट में यूज करेंगे, वो मात्र तीन का यूज करेंगे। आ, हम जब आगे कुछ डेरिवेशन या कुछ करेंगे यानी कि माइनस प्लस एंड आउटपुट तो दिस दिस विल बी योर शॉर्ट सिंबल के बारे में पता चल गया अब हम लोग इसको इसके बारे में चलेंगे आगे बढ़ेंगे और हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है माइनस बे अगर हम माइनस प्लस और आउटपुट तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन फर्स्ट वन अगर हम बात करें माइनस यानी कि इनवर्टिंग टर्मिनल के बारे में इसको हम बोलेंगे इनवर्टिंग टर्मिनल यानी कि इनवर्टिंग इनपुट क्या होता है इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी हम कहेंगे कि अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब क्या हुआ तो थोड़ा सा देखते हैं यानी कि अगर इस ओपेम में सिर्फ माइनस पे यानी कि इनवर्टिंग टर्मिनल पे सप्लाई हमने दिया V1 और प्लस जो टर्मिनल है उसको हमने कुछ भी नहीं दिया यानी कि जीरो कर दिया, ग्राउंड कर दिया दिया ग्राउंड ओके और ये जो V1 है वो समझ लीजिए कि ये कोई एक सिग्नल है कुछ इस तरीके से इसकी कुछ वैल्यूज है तो हम यहां से जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ए टाइम का मतलब गेन गेन क्या होता है आउटपुट बाय इनपुट के रेशियो को हम लोग गेन बोलते हैं तो ये गेन का जो भी गेन होगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू वी वन लेकिन इन्वर्टेड होके माइनस में यानी कि जो आपको आउटपुट होगा आउटपुट नथिंग बट ओके वन बाई वन मैं इसको लिख देता हूं इस तरीके से ताकि कंफ्यूजन ना हो सो वट यू आर गेटिंग आउट हियर यू आर गेटिंग दैट आउटपुट इज नथिंग बट वी आउटपुट इज टू गेन का निगेटिव होके यानी कि इन्वर्ट होके ए वन टाइम्स इंटू वी वन यानी कि या आउटपुट जो आपका मिलेगा वो क्या हो गया इनवर्ट हो गया आपने ऐसे दिया हुआ है लेकिन एम्प्लीफाइडेड इन्वर्टेड इन्वर्टिंग यानी कि, कि आउटपुट को इन्वर्ट uh, करना है आउट ऑफ फेस करना है तो क्या करेंगे आप इनपुट सप्लाई सिर्फ दे दिया आपने इनवर्टिंग टर्मिनल पे नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नॉन इनवर्टिंग नॉन इनवर्टिंग इनपुट क्या होता है नॉन इनवर्टिंग इनपुट या कह सकते हैं ये नॉन एम्पलीफायर ओके तो नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब ये हुआ कि अब हम सप्लाई जो है या जो ये दे रहे हैं वो माइनस को तो हम ग्राउंड यानी कि जीरो दे रहे हैं कुछ भी नहीं दे रहे हैं इस पे बट प्लस टर्मिनल पे हम क्या दे रहे हैं सप्लाई दे रहे हैं वी टू ओके सो एंड वी टू इज अगेन लाइक दिस This is like हम, कि वेव दिया और ये सिक्स नंबर पे कि जो मुझे आउटपुट मिलेगा यहाँ पे इट विल अगेन गेन का मतलब करता है तो यू कैन इमेजिन दैट आप मिली में भी दोगे तो कितना वोल्ट प्रोवाइड कर सकता है बट इट हैज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन क्या रिस्ट्रिक्शन है हम देखते हैं तो यहाँ पे जो वी आउटपुट क्या विदाउट चेंजिंग द फेज यानी फेज शिफ्ट इसमें नहीं होगा ओके अब आते हम थर्ड पोर्शंस पे ये तो दोनों अगर हमने दोनों पे इनपुट अप्लाई किया तो यानी कि कह सकते हो कि ये आ, बोथ इनपुट की बात कर ले दोनों टर्मिनल पे कॉमन इनपुट या डिफरेंशियल इनपुट कर सकते हैं okay? तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं डिफरेंस इनपुट या एम्पलीफायर तो का मतलब क्या हुआ कि अब हम जो इनपुट सप्लाई देने जा रहे हैं वट अवर द इनपुट दैट इज ऑन बोथ टर्मिनल यानी कि इन दोनों पे माइनस पे भी और प्लस पे भी इनवर्टिंग टर्मिनल पे भी हमने दे दिया, इस पे हमने दे दे दिया, दिया तो क्या होगा? को हमेशा करेगा. में डिफरेंशियल था. It is the amplifier, high gain amplifier, differential amplifier. मतलब आउटपुट जो होगा ए टाइम्स यानी कि ओपन लूप जो भी गेन है उसका ओपन लूप गेन का मतलब कोई भी हमने फीडबैक आउटपुट से इनपुट के बीच में कोई फीडबैक नहीं लगा हुआ है तो ए से ए का अब कौन सा निगेटिव है V1 निगेटिव V2 है तो वी टू माइनस वी वन का जो डिफरेंस होगा उसके उसको एम्पलीफाई करके देगा कट माय पॉइंट तो ये डिफरेंशियल यही कॉन्सेप्ट का यूज करके सबट्रैक्टर और ये होता है और चौथा नंबर जो हम लोग बात कर जाते करने जा रहे हैं फोर्थ नंबर उसको बोलते हैं कॉमन इनपुट

बिकॉज़ ऑफ़ सम नोइज़ इन द इनवॉर्मेंट, बिकॉज़ ऑफ़ सर्टेन यू नो नोइज़ एलिमेंट, कुछ माइक्रो एम्पीयर में मान लो कि यहाँ पे वन माइक्रो एम्पीयर के आसपास आपको या पॉइंट वन माइक्रो एम्पीयर के आसपास आपको क्या मिल गया? डिफरेंस मिल गया, यानी कि दोनों के बीच में नोइज़ की वजह से। तो एंड टेन टू दावर सिक्स के अप्रोक्सीमेटली अगर एम्पलीफाई करना है so, uh, अगर हम इसको ये देखते हैं तो क्या होगा ये हो जाएगा पॉइंट वन इंटू टेन टू द पावर माइनस वन यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट जीरो वन वोल्ट दैट मीनस

प्लस दूसरा जो टर्मिनल हो गया इन दोनों के एवरेज के बराबर आता है जो हमारा कॉमन ये होता है सी एम आर आर के तरफ जब हम जाएंगे तब देखेंगे सो सो दिस इज कॉल्ड कॉमन इनपुट अब हमने क्या क्या देख लिया इसका पिन कंफ्रगेशन क्या है कैसा दिखता है डिफिनेशन क्या है इसके तीनों ता, चारों टाइप के जो इनपुट्स होते हैं वो उससे उससे क्या ये होता है अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो इसका इक्वैलेंट सर्किट के बारे में देखने जा रहे हैं इक्वीवैलेंट ओपन सर्किट ओके सो हाउ इट लुक लाइक्स तो अभी मैं डॉटेड लाइन से आपको ये जो है ऑपरेशन एम्पलीफायर का ये बाउंड्री जो होती है उसको हम बना के यहाँ पे दिखा रहे हैं दिस इज ऑप नाउ क्या होता है कि आपका एक तो ये वी नेगेटिव वाला इनपुट हो गया समझ लो कि ये वी वन. एंड देन यहाँ पे इनपुट इमेंस होता है आउटपुट साइड uh, में क्या होता है एक हम गेन यूज करते हैं जिसको कि इस तरीके से मानने से या तो ए बोलिए या एलिए बोलिए यानी कि ओपन लूप गेन आइडियल कंडीशन में या सिर्फ एके and in output side uh, this is AOL and then यहाँ पे आपका जो है output impedance होता है जस्ट लाइक आर आउटपुट आर आई स्कोर रही हम लिखते हैं R O and ये जो है पोर्शन को हम जनरली इस साइड में ग्राउंड कर लेते हैं और एओ क्योंकि गेन है तो गेन हमेशा मल्टीप्लाई किससे होगा डिफरेंस यानी कि दोनों का ये जो डिफरेंस है उससे एओ एल इन टू

आर आउटपुट क्या हुआ होना चाहिए लो जो कि हमने बात की थी कि ये आर आउटपुट जो है वो लो होना चाहिए इसी तरीके से अब यहां पे हमें पता है कि आउट ये ए ऑल क्या होता है वी आउटपुट बाय वी इनपुट इनटू वी डी इजंट सो ये ए डी यानी कि जो गेन होता है वो वी आउटपुट बाय वी इनपुट इनटू ए डी सॉरी वी डी यानी कि जो डिफरेंस होता है जो आपने वी डी का मतलब क्या हो गया वी1 माइनस वी2 इनटू ए तो ये यहाँ पे उसी के अप्रोक्स यहाँ पे आउटपुट मिलता है इसी वजह से यहाँ पे ये इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ये ओपेम हो गया नाउ एक हमने बात की थी कि ओपेम जो है अगर हम एक थियोटिकल कंडीशन में बात करें कि जो भी डिफरेंस या कुछ भी हम इनपुट इसमें देते हैं मान लो कि वी वन की वैल्यू जो है वो वन मिली अब अगर इसका इसका वेरी हाई इनपुट गेन होता है, हाँ, वेरी हाई गेन होता है तो तो पावर माइनस तो थ्री इंटू टेन टू तो दावर फाइव तो कितना हो गया वन इंटू टेन टू तो द पावर टू यानी कि वन हंड्रेड इसका मतलब है कि हंड्रेड वोल्ट आ जाएगा और अगर मैंने वन वोल्ट दे दिया तो कितना तो ये ऐसा नहीं है क्योंकि ये जो है ये आपका सेचुरेश, दो लेवल के बीच में जो आपने सप्लाई यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे रखा है प्लस वी एंड माइनस वी तो ये दोनों इसको सेचुरेशन का काम करते हैं मतलब कुछ इस तरीके से ये हो गया इसको बोलते हैं प्लस वी सैट एंड माइनस वी सैट यानी कि इसका मैक्सिमम जो आउटपुट होगा वो ये वी सेचुरेशन के से ज्यादा नहीं हो सकता है और ये मिनिमम निगेटिव वैल्यू जो होगी वो इसके बीच में नहीं हो सकती तो ये डिसाइड करेगा दिस इज द रिस्ट्रिक्शन वोल्ट लेके आ सकते हैं इट मीन दैट आइडियली एंड प्रैक्टिकली इट इज प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल सो दिसन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ

डिफरेंशियल मोड तो डिफरेंशियल मोड वी वन माइनस वी होता है बट कॉमन मोड क्या होता है जब दोनों इनपुट बराबर हो जाते हैं तो वो हमारा डिजायरेबल नहीं होता है जैसे एग्जांपल के लिए सो वी कैन दैट द आउटपुट यानी कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है सिंस, द आउटपुट Provided by OPM by OPM is due to two modes that is Concussa mode, differential and difference mode and common mode. Hence The output voltage is expressed as कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी आउटपुट इज इक्वल टू ए डी वी डी प्लस ए सी वी सी इसके सिंबल या इसके रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है बट इसका मतलब क्या हुआ एडी का मतलब ये हो गया डिफरेंशियल इनपुट गेन या डिफरेंस इनपुट गेन डिफरेंस वोल्टेज गेन कर सकते हैं इसको इनपुट गेन नहीं वोल्टेज गेन और व्हाट अबाउट वीडी हमने बात की थी मतलब डिफरेंस इनपुट इनपुट या डिफरेंशियल डिफरेंस मोड का इनपुट हो गया यानी कि डिफरेंस इनपुट व्हाट अबाउट वी इज विजकल टू कॉमन इनपुट है ना कॉमन इनपुट एंड व्हाट अबाउट एसी ए इज कल टू हो गया कॉमन वोल्टेज गेन यानी कॉमन मोड वोल्टेज गेन ओके सबसे पहले डिफरेंस इनपुट की बात करते हैं क्या होगा दो इनपुट अगर है तो V1 वन माइनस वी यानी कि दो इनपुट के डिफरेंस के बराबर होगा व्हाट अबाउट कॉमन इनपुट जो हमने बात की थी यानी कि अगर दोनों बराबर है V1 वन प्लस वी तो इसका क्या हो गया या दोनों के जो है वो एवरेज के बराबर होता है ये

डिफरेंस uh, दोनों इनपुट दोनों मोड को यूज करके हम आउटपुट निकालते हैं बट जनरली ये काफी स्मॉल यानी काफी कम होता है तो ये नीजेबल हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस इसलिए बहुत सारे बुक्स में आपको ये कंटेंट कम मिलेगा अब इसको निकालने के लिए हम एक कैटिस्टिक्स पढ़ते हैं ओपम की जिसका नाम होता है सी एम आर आर स्ल्यू रेट एंड ऑल दो थिंग्स तो इन सब के बारे में uh, हम लोग नेक्स्ट uh, क्लास में पढ़ेंगे तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही इसके बाद अगर नेक्स्ट uh, क्लास में हम लोग चलेंगे तो हम ओपेम की जो मेन कैटिस्टिक्स होती है उस कैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके एक एक पॉइंट को हम लोग इस ये करके डिफाइन करेंगे सो थैंक यू एवरी वन आज की क्लास के लिए अगले क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए एवरी वन टेक केयर